Hello and welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today we are going to discuss important news of 26th and 27th April 2021 from Hindu, Indian Express, PIB and Sun Tribune. You can download this lecture PDF from our website www.inspirationis.org. You can also download Daily MCQs and Vishlation magazine by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page for like Facebook, Telegram channel, Instagram for other study materials, both for UPSC as well as other state VCs. Inspiration IAS has started its online foundation batches. So if you are preparing for UPSC and other state VCs, you can enroll in this foundation batches where you can prepare for civil services from your home itself. Inspiration IAS has started its mock test series for UPSC and other state VCs. This mock test series will be available both in online and offline format. So if you are preparing for this year's prelim examinations, do register to our mock test series. For more information, you can call in this given number. चलिए start करते हैं अपना daily news analysis. आज का हमारा जो पहला news है वो सेक्शंस 144 सीआरपीसी से रिलेटेड है। रिसेंटली आपको मालूम होगा कि गुरुग्राम में सेक्शन 144 इन्फोर्स कर दिया गया है ड्यू टू द राइजिंग केस ऑफ कोविड-19 के चलते ये केसेस इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि सीआरपीसी सेक्शन 144 को इन्फोर्स करना पड़ा। सेक्शन 144 इसको दे आर normally used for to clamp down or lock down the telecommunication services and internet, but this time this has been enforced for the COVID cases. Agar thoda CRPC ke bare mein samjha jaye to this law empowers the magistrate for any state of any state or union territories in India to pass an order prohibiting the gathering of four or more peoples in a specified areas. It is imposed in urgent cases of nuisance or apprehended dangers of some events that has the potentials to cause trouble or damage to human life or property. तो जब अगर ये सेक्शन 144 इन्फोर्स होता है तो मजिस्ट्रेट के पास एक अथॉरिटी आ जाती है कि किसी भी तरह के अगर चार से ज्यादा लोग एक जगह गैदर हो रहे हैं तो उनको प्रोहिबिट किया जा सके, और ये और भी पावर देता है कि अगर कुछ ऐसे पोटेंशियल्स कॉसेस या पोटेंशियल डैमेज डेंजर होने वाला हो लाइफ और ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए उस केसेस में मजिस्ट्रेट ये सेक्शन 144 इन्फोर्स कर सकता है। ये सेक्शन 144 किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स और जनरल पब्लिक के लिए भी भेजा जा सकता है। सो आप समझ सकते हो कि सीआरपीसी सेक्शन 144 ये बोथ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स और इवन इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी इन्फोर्स किया जा सकता है। अगर सेक्शन 144 का फीचर्स देखा जाए तो इट प्लेसेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ वेपन्स इन द गिवन ज्यूरिसडिक्शंस। द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर सच एन एक्ट इज 3 years। मतलब अगर किसी भी तरह का वेपन्स अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, और अगर इसको कोई पकड़ा जाता है वेपन्स के संग तो उसको मैक्सिमम 3 साल की सजा हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन देयर शैल बी नो मूवमेंट ऑफ पब्लिक एंड ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल ऑल्सो रिमेन क्लोज्ड। इसमें किसी भी तरह के मूवमेंट को अलाउ नहीं किया जाता और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उन्हें क्लोज कर दिया जाता है। तो गुरुग्राम में अभी सिचुएशंस बहुत ही ग्रेव है जिसके चलते सेक्शन 144 को इन्फोर्स किया गया है। इट इज डीम्ड ए पनिशेबल ऑफेंस टू ऑब्स्ट्रक्ट लॉज इन्फोर्समेंट एजेंसीज फॉर डिसबैंडिंग एन अनलॉफुल असेंबली। किसी भी तरह की अनलॉफुल असेंबली को प्रोहिबिट या रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, और इट ऑल्सो इम्पावर्स द अथॉरिटीज टू ब्लॉक इंटरनेट एक्सेस इन द रीजन, और इंटरनेट एक्सेस को भी यहाँ ब्लॉक कर दिया जाता है। आमतौर पर आपको मालूम होगा कि हमारे JNK में मोस्टली ये पहले इन्फोर्स हुआ करता था, आए दिन इन्फोर्स होता था, बट अभी सिचुएशंस काफी अच्छी हो गई है। बट गुरुग्राम में इसको इन्फोर्स किया गया है ड्यू टू द कोविड-19 केसेस, क्योंकि लोग मान नहीं रहे थे, और रिपोर्ट ये भी आ रही है कि हमारे कोविड के केसेस इतने ज्यादा बढ़ने के रीजन ये भी है कि लोग ज्यादा रिलैक्सेंट हो गए थे। जैसे ही सेकेंड वेव से पहले लोग बहुत ज्यादा रिलैक्सेंट हो गए थे और लोगों ने सोचा कि अब कोरोना चला गया, जिसके चलते सेकेंड वेव बहुत ही ग्रेव हुआ इंडिया के ऊपर में।
द अल्टीमेट पर्पज ऑफ सेक्शन 144 इज टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द एरियाज वेयर ट्रबल कुड इरप्ट टू डिस्टर्ब द रेगुलर लाइफ. अगर ऐसा कभी लगे कि रेगुलर लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है किसी सिचुएशन के चलते, उस रीजन में सेक्शन 144 को इन्फोर्स कर दिया जाता है टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर. अगर देखा जाए कि ड्यूरेशन कितना होता है सेक्शन 144 का, तो आमतौर पर इन्फोर्समेंट होती है वो 2 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता. एंड अंडर द स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन इट कैन चूज टू एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ फॉर 2 मंथ्स टू मोर मंथ्स विद द मैक्सिमम वैलिडिटी एक्सटेंडेड टू 6 मंथ्स. अगर इसका ड्यूरेशन देखा जाए कि सेक्शन का ड्यूरेशन कितने दिनों तक होता है, तो आमतौर पर इसका ड्यूरेशन 2 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता. बट अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि 2 महीने तक ये काम नहीं हुआ है, तो इसको और 2 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है. बट मैक्सिमम वैलिडिटी जो एक्सटेंड हो सकती है वो 6 मंथ से ऊपर नहीं हो सकता. एंड वंस द सिचुएशन बिकम नॉर्मल, सेक्शन 144 लिमिट कैन बी विथड्रॉन. एक बार सिचुएशन अगर नॉर्मल हो गया तो इस सेक्शन को वापस विथड्रॉन कर लिया जाता है. अब देखिए, सेक्शन 144 और कर्फ्यू, आमतौर पे लोग इसको एक ही समझते हैं, बट कर्फ्यू और सेक्शन 144 थोड़ा डिफरेंट होता है. इनमें थोड़े से टेक्निकल डिफरेंसेस हैं. जैसे कि सेक्शन 144 प्रोहिबिट्स करता है गैदरिंग ऑफ 4 or more people इन द कंसर्न एरिया, जबकि कर्फ्यू पीपल्स आर इंस्ट्रक्टेड टू स्टे इनडोर फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. जबकि कर्फ्यू में लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप घर में ही रहिए, आपको बाहर निकलने का परमिशन नहीं है. तो यहाँ पर किसी भी तरह का 4 या 3 दिन का कंसेप्ट ही नहीं है, पूरे ही सारे ही लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है घर के अंदर. द गवर्नमेंट पुट्स ए कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रैफिक एज वेल. जब कर्फ्यू लगता है तो कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो जाता है और जिसके चलते किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होती है. Market schools, colleges and offices remain closed under the curfew and only essential services are allowed to run on the prior notice basis. किसी भी तरह के अगर other essential services अगर move करानी है तो उसको उसके लिए prior information लेना जरूरी होता है. So section 144, curfew और अगर देखा जाए national emergency, state emergency, इन में एक बेसिक डिफरेंसेस होता है. अगर आपको ये बेसिक डिफरेंसेस क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिए. इसके ऊपर में हम अलग से एक लेक्चर कल के डीएनए में हम इन्फॉर्म या अटैच कर सकते हैं. हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है, वेन्स एंड मीन्स एडवांसेस, ये जीएस पेपर 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी का सेक्शन है. तो न्यूज पे समझते हैं है क्या. रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड किया है कि दे विल कंटिन्यू The existing interim ways and means advances scheme limit of ₹51,560 crore for all state and UTs up to September 2021 due to COVID-19 crisis. Reserve Bank ने कहा है कि वो अपना जो interim ways and means advances है, scheme जो है, जो 51,560 करोड़ का है सारे स्टेट और यूटीज के लिए, वो सितंबर 2021 तक वो इन्फोर्स करेंगे या कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कोविड-19 के सिचुएशंस के चलते. अब ये वेज एंड मींस एडवांसेस आखिर होता क्या है आरबीआई का, थोड़ा इसको समझते हैं. देखिए, ये वेज एंड मींस एडवांसेस स्टार्ट हुआ था 1997 में और इसका पर्पस था स्टेट गवर्नमेंट के मिसमैच को फिलअप करने का, जैसे कि टू मीट मिसमैचेस इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी रिसिप्ट होते हैं और पेमेंट में अगर कुछ डिफरेंसेस होता है तो उसको वेज एंड मींस के थ्रू आरबीआई एडवांस करके एडवांस पेमेंट कर देता है स्टेट बैंक स्टेट गवर्नमेंट्स को, जिससे वो अपने खर्चे निकाल सके. इसका वेज एंड मींस के फीचर्स क्या है, द गवर्नमेंट कैन अवेल इमीडिएट कैश फ्रॉम द आरबीआई. अगर गवर्नमेंट को इमीडिएट कैश की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से ले सकता है इफ रिक्वायर्ड, बट इट हैज टू रिटर्न द अमाउंट विद इन 90 डेज. बट उस अमाउंट को आरबीआई को 90 डेज के अंदर में रिटर्न करना जरूरी है. एंड इंटरेस्ट जो चार्ज होता है एग्जिस्टिंग रेपो रेट के ऊपर में चार्ज होता है. होप आपको ये रेपो और रिवर्स रेपो के बारे में क्लियर होगा. अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिए, हम अगले डीएनए में
इस कमेंट को या इस क्वेरीज को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वेज एंड मीन्स जो आरबीआई यूज करता है वो आता है सेक्शन 17 क्लॉज 5 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ये ऑथराइज करता है सेंट्रल बैंक को टू लेंड टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू देयर बीइंग रीपेएबल नॉट लेटर देन 3 मंथ्स। 3 महीने का टाइम देता है, इस 3 महीने के अंदर में जिसमें सेंट्रल बैंक को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसे रिफंड करेंगे विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ एडवांसेस। रेपो रेट इज बेसिकली द रेट एट विच आरबीआई लेंड शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंक। रेपो रेट वह रेट होता है जो आरबीआई लेंड करता है बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए। इफ द वेज एंड मीन्स एडवांसेस एक्सीड 90 डेज, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर 90 दिन तक वो पैसे रिटर्न नहीं कर पाए देन इट वुड बी ट्रीटेड एज एन ओवरड्राफ्ट। इसको ट्रीट क्या किया जाता है, ओवरड्राफ्ट की तरह, और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है ऑन ओवरड्राफ्ट इज 2% मोर देन द रेपो रेट। मतलब रेपो रेट से 2% ज्यादा डाला जाता है, मतलब एक्स्ट्रा 2% देना पड़ता है। द लिमिट फॉर WMA फॉर सेंटर आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड आरबीआई म्यूचुअली। सेंटर के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस कितना होगा वो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं म्यूचुअली, और इसको रिवाइज किया जाता है पीरियोडिकली। A higher limit provides the government flexibility to raise funds from RBI without borrowing them from the market. ये higher limit अगर ये होता है तो government को ज़्यादा flexibility होती है पैसे को RBI से उठाना, बशर्ते government market से उठाए। तो ये government के लिए एक अच्छा options होता है fund raise करने का। अगर वेज एंड मीन्स देखा जाए तो ये 2 तरह के वेज एंड मीन्स होते हैं। एक तो कहा जाता है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटीज, ध्यान रखिएगा ये स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटीज है, ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स नहीं है जो IMF में यूज होता है कंट्री कोटा के लिए, तो उसको बोला जाता है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटीज स्पेशल WMA। इसका इंटरेस्ट रेट होता है रेपो रेट -1, जो भी रेपो रेट होता है उससे 1% कम होता है, जबकि नॉर्मल WMA होता है इंटरेस्ट रेट, इसका जो WMA का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो रेपो रेट के बराबर होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस, नॉर्मल एंड स्पेशल्स। ये स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांसेस और स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटीज, ध्यान रखिएगा नॉर्मल स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांसेस को ही स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटीज बोला जाता है। इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट द कोलैटरल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द स्टेट। ये जो फंड गवर्नमेंट प्रोवाइड, ये जो फंड RBI प्रोवाइड करता है इसमें गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को वो होल्ड करता है और उसके बेसिस पर ये फंड प्रोवाइड करता है। जबकि आफ्टर द स्टेट हैज एग्जॉस्टेड द लिमिट ऑफ SDF, मतलब अगर कोई स्टेट अगर SDF के लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो उसको अब SDF के थ्रू नहीं, अब उसको नॉर्मल WMA के थ्रू उसको फंड रेज करना पड़ेगा। द इंटरेस्ट रेट फॉर SDF इज 1% लेस देन द रेपो रेट, वेयर एज द नंबर ऑफ लोन अंडर नॉर्मल WMA इज बेस्ड ऑन ए 3-year एवरेज ऑफ एक्चुअल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। आशा है ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, द कैश फ्लो प्रॉब्लम ऑफ स्टेट हैज बीन एग्रेवेटेड बाय द इंपैक्ट ऑफ COVID-19। देखिए अभी COVID-19 के सिचुएशंस में गवर्नमेंट के लिए जो कैश फ्लो की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए गवर्नमेंट के पास RBI ही एकमात्र सहारा है। दस मेनी स्टेट आर इन नीड ऑफ इमीडिएट एंड लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डील विद चैलेंजेस इंक्लूडिंग मेडिकल टेस्टिंग स्क्रीनिंग एंड प्रोवाइडिंग इनकम एंड फूड सिक्योरिटीज टू द needing. WMA can be an alternative to raising longer tenure fund for the market, issue of the state government securities or borrowing from the financial institution for short term funding. WMA funding is much cheaper than borrowing from the market. ये market से borrow करने से कई गुना कम पैसा interest इसमें लगता है, कई गुना सस्ता ये होता है। तो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटीज अवेल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट शैल कंटिन्यू टू बी लिंक्ड टू द क्वांटम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द मार्केटेबल सिक्योरिटीज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग ऑक्शन ट्रीटी बिल्स द एनुअल इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड एंड गारंटी रिडेम्पशन फंड शैल कंटिन्यू टू बी एलिजिबल फॉर अवेलिंग SDF। अगर आपको ये ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स और कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड अगर क्लियर नहीं है तो आप
कमेंट में लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग अलग से एक इकोनॉमी का जो लेक्चर होगा उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स और कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड के बारे में आइडिया क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम इसको डिस्कस कर लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। शैल कंटिन्यू टू बी एलिजिबल फॉर एवेलिंग, ध्यान रखिएगा एसटीआर डिफरेंट होता है एसटीएफसी, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। अगला न्यूज जो हमारा है ब्रुसेलोसिस के बारे में, ये जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। रिसेंटली केरला ने लॉन्च किया है प्रिवेंटिव मेजर्स आफ्टर ए फ्यू केसेस ऑफ ब्रुसेलोसिस ए जूनोटिक इन्फेक्शन हैज बीन डिटेक्टेड इन सम डेयरी एनिमल्स। कुछ डेयरी एनिमल्स में ब्रुसेलोसिस डिटेक्ट हुआ है जिसके चलते केरला ने लॉन्च किया है प्रिवेंटिव मेजर्स। तो थोड़ा समझते हैं कि ब्रुसेलोसिस होता क्या है और क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए ये एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय वेरियस ब्रुसेला स्पीसीज। ब्रुसेला एक तरह का बैक्टीरिया है विच मेनली इन्फेक्ट कैटल स्वाइन गोट शिप डॉग अलॉन्ग विद अदर एनिमल्स। इसको माल्टा फीवर और मेडिटेरेनियन फीवर भी कहा जाता है, तो इसको माल्टा और मेडिटेरेनियन फीवर दोनों ही कहा जा सकता है। और ह्यूमन को जनरली ये एक्वायर होता है किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल से या ईटिंग ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट्स और बाय इनहेलिंग एयरबॉर्न एजेंट्स। तो ये फूड के थ्रू और एयर के थ्रू भी ये कॉन्टामिनेशन हो सकता है इंसानों को, इसीलिए इसको जूनोटिक डिजीज बोला जाता है। जूनोटिक माने जो वैसे डिजीज जो पहले जानवरों को हुआ करते थे बट अब इंसानों को भी ये इन्फेक्ट कर रहा है। ब्रुसेलोसिस इन इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये हमें ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस हो रही है हमारे डेयरी इंडस्ट्रीज को, और इसके चलते जानवरों में इनफर्टिलिटी अबॉर्शन बर्थ ऑफ वीक ऑफस्प्रिंग एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी हो रही है। इसका सिम्टम्स अगर देखा जाए तो फीवर होता है, स्वेट्स, मैलेस, एनोरेक्सिया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, एज वेल एज हेडेक एंड मसल पेन। एंड ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन भी है इसके। इट इज यूजली ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक से इसको ट्रीट किया जा सकता है, जैसे कि रिफामपिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। प्रिवेंशन क्या है, वी शुड अवॉइड अनप्रेशराइज डेयरी प्रोडक्ट, अनप्रेशराइज जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है उन्हें हमें नहीं देना चाहिए। टेकिंग सेफ्टी प्रिकॉशंस सच एज वियरिंग रबर ग्लव्स गाउन्स व्हेन हैंडलिंग एनिमल्स और वर्किंग इन ए लेबोरेटरी कैन हेल्प प्रिवेंट और रिड्यूस द रिस्क ऑफ गेटिंग ब्रुसेलोसिस। अदर प्रिवेंटिव मेजर्स को अगर ले लिया जाए तो इंक्लूड कुकिंग मीट प्रॉपरली, वैक्सीनेटिंग डोमेस्टिक एनिमल्स एक्सेट्रा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा ब्रुसेलोसिस के बारे में। तो ब्रुसेलोसिस बेसिकली ये एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज होता है। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं, वो है हमारा फॉस4 गव इनोवेशन चैलेंज। देखिए रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जिसको हम लोग मीटी भी बोलते हैं, हैज अनाउंस हैशटैग फॉस4 गव इनोवेशन। आखिर ये है क्या, थोड़ा समझते हैं। इनोवेशन अगर कहा जाए, फॉस4 गोव इनोवेशन चैलेंज टू एक्सेलरेट एडॉप्शन ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फॉस का फुल फॉर्म है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन गवर्नमेंट। रिसेंटली गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने अनाउंस किया है ये फॉस4 गोव इनोवेशन चैलेंज, जिसमें फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को डेवलप और यूज किया जाएगा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स या गवर्नमेंट के अंदर में। तो थोड़ा समझते हैं यहाँ के लिए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखिए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आमतौर पर सॉफ्टवेयर ही होते हैं बट इसका किसी के पास कॉपीराइट नहीं होता है। मींस ये सॉफ्टवेयर ओपन है, कोई भी यूज करता है कर सकता है, और इसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है, इवन कोई भी इसको एडिट कर सकता है और इसको इम्प्रूव कर सकता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि हम लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज वगैरह, एडोब वगैरह या बाकी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे हमें खरीदना पड़ता है, और वो आप इसको बिना खरीदे अगर आप यूज करते हो तो पायरेटेड वर्जन होता है। जबकि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये ओपन सोर्स होते हैं या ओपन सोर्स होते हैं, जिसको आप ऐसे ही ले सकते हो और उसको इवेंट डेवलप भी कर सकते हो और अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो। तो ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है क्या? इट डज नॉट मीन सॉफ्टवेयर इज फ्री ऑफ कॉस्ट।
देखिए सॉफ्टवेयर जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होता है, बट यहाँ पर फ्री इंडिकेट्स करता है कि जो सॉफ्टवेयर डज नॉट हैव कंस्ट्रेंट ऑन कॉपीराइट्स, इसका कॉपीराइट का कंस्ट्रेंट नहीं होता है सॉफ्टवेयर के ऊपर में। इट मींस दैट द सोर्स कोड ऑफ द सोर्स सॉफ्टवेयर इज ओपन फॉर ऑल एंड एनीवन इज फ्री टू यूज, कोई भी इसको यूज कर सकता है, उसको स्टडी कर सकता है एंड मॉडिफाई कर सकता है इसके कोड को। जो आपके जो पेड सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं हो सकता है, पेड सॉफ्टवेयर लॉक होता है और उसके कोड ओपन नहीं होता है और आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, जबकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ओपन होते हैं और वो इवन मॉडिफाई भी किया जा सकता है उसके कोड को। इट अलाउज अदर पीपल ऑल्सो टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइक ए कम्युनिटी। तो इवन इस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये एक कम्युनिटी मिलके भी, जैसे कि उस सॉफ्टवेयर को एक कम्युनिटी मिलके भी अपडेट या अपग्रेड कर सकती है, और जिसके लिए किसी भी तरह का एक पर्टिकुलर पर्सन, जिसके लिए ये जो सॉफ्टवेयर होता है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं होता है। द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज फ्री लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग फ्लॉस कहते हैं, और फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसको FOSS कहते हैं। देखिए ये रहा कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और ये कुछ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, मैकेफी, एप्पल के सॉफ्टवेयर वगैरह, कुछ एंटीवायरस, विंडो फोन, ये सब। तो ये सब क्या है, ये सब सारे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है वो जैसे है Ubuntu, सिम्बियन, आपके लिनक्स आप लोग जानते होंगे, एंड्रॉयड, फायरफॉक्स, ये सब क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अनदर कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर विच यूजेस द प्रॉपर्टी एंड क्लोजली गार्डेड कोड, ओनली द ओरिजिनल ऑथर हैव द ऑथोरिटी टू एक्सेस, कॉपी एंड चेंज दैट सॉफ्टवेयर। इन दिस केस वन डज नॉट परचेज द सॉफ्टवेयर बट ओनली पे टू यूज इट। यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर को नहीं परचेज करते जबकि हम सिर्फ उसको यूज करने के पेमेंट करते हैं, ये नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसको परचेज कर लिया, नहीं, आपने उसका यूज परचेज किया है कि आप उसको यूज कर सकते हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अभी भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, उसमें जब चाहे वो चेंज कर सकता है। जैसे आपको मालूम होगा कि अभी माइक्रोसॉफ्ट या विंडोज में बहुत सारे हमेशा अपडेट आते रहते हैं, तो ये अपडेट माइक्रोसॉफ्ट ही करता है, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है। आप भी चाहो तो इस सॉफ्टवेयर को अपडेट या अपग्रेड कर सकते हो। होप आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा है कि जितने ये जो इनोवेशन चालू किया है ताकि हमारे जितने भी टैलेंट्स हैं आईटी में वो अपने ब्रेन को यूज करके इन सॉफ्टवेयर को डेवलप करें, ताकि ये सॉफ्टवेयर हमारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में भी यूज हो सके। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव्स है और इंडिया के जो टैलेंट्स हैं आईटी के फील्ड में वो काफी अच्छा इस चीज का इस्तेमाल कर सकती है। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा जो अगला न्यूज है, इंडो फ्रेंच नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज वरुणा 2021। तो वरुणा 2021 रिसेंटली 25 तारीख से लेके 27 तारीख से अभी तक ये हुआ, तो थोड़ा समझते हैं, ये बहुत ही शॉर्ट न्यूज है, इंडो फ्रेंच वरुणा एक्सरसाइज 2021। देखिए ये 19th एडिशंस है इंडिया और फ्रेंच नेवी के बीच में ये बायलेटरल एक्सरसाइज वरुणा 2021, और ये कंडक्ट हो रहा है अरेबियन सी में 25 तारीख से लेके 27 अप्रैल तक। तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए द इंडियन नेवी, इंडियन एंड फ्रेंच नेवी हैव बीन कंडक्टिंग दिस बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज सिंस 1993। ये 1993 से ही इंडिया और फ्रेंच की नेवीज इस बायलेटरल एक्सरसाइज को कर रही है, बट 2001 के बाद इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया वरुणा। दिस इंटरेक्शंस फर्दर अंडरस्कोर द शेयर्ड वैल्यूज एज पार्टनर नेवीज इन इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ सीज एंड कमिटमेंट टू एन ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एंड रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर्स। ये दो नेवीज की यही मोटिवेशन है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है
इसमें किसी भी तरह का किसी भी कंट्रीज का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और यहां पर रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर चलेगा, ये नहीं किसी भी कंट्री का पावर और हेगेमोनी चलेगा। थोड़ा वरुणा के बारे में और डिटेल में थोड़ा समझा जाए तो ना 2021 का एक्सरसाइज में कुछ नई चीजें हुई है, जैसे कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यूएई भी इसमें पार्टिसिपेट किया है इन वरुणा एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली एडेड इन द व्हिच कंट्री हैज टेकन पार्ट फर्स्ट टाइम इन वरुणा एक्सरसाइज। तो अभी ये ट्राइलेटरल नेवी एक्सरसाइज हो गया जिसमें नेवी यूएई की, फ्रांस और इंडिया की नेवी ज्वाइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज किया है। द वरुणा ज्वाइंट एक्सरसाइज इज पार्ट ऑफ फ्रेंच कैरियर स्ट्राइक ग्रुप क्लेमेंस्यू 21 डिप्लॉयमेंट विच द फ्रेंच नेवी इज कंडक्टिंग इन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, द गल्फ एंड द इंडियन ओशियन रीजन। इस एक्सरसाइज का गोल यही है टू कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलाइजेशन ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक जोन एंड स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन विद द नेवीज ऑफ पार्टनर कंट्रीज, इन पर्टिकुलर इंडिया फॉर द इंडियन ओशियन कॉम्पोनेंट्स। एज पार्ट ऑफ दिस डिप्लॉयमेंट द कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इज ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन NTIS ऑपरेशन। ये NTIS ऑपरेशन को भी कंडक्ट कर रहा है ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। And the exercise will see high-tempo naval operations at sea, including advanced air defense, anti-submarine exercise, tactical maneuver, underway replacement, and other maritime security operations. तो ये बहुत ही high-fi या high-tempo naval operations हुआ ये Varuna 21। इसमें Indian Navy, UAE और France की Navy तीनों ने इसमें participate किया है। France के बारे में, France और India के और भी कुछ exercises के बारे में देखा जाए तो पहला है डेजर्ट नाइट 21 एंड गरुड़ा, जिसको हम लोग एयर एक्सरसाइज है, ये वरुणा नेवल एक्सरसाइज है और शक्ति आर्मी एक्सरसाइज है। ये इंडो फ्रेंच एक्सरसाइज है तो इसको थोड़ा आप ध्यान से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है कौन कौन से कंट्रीज के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हो रही है मैथ्स और कॉलम के तौर पर। थोड़ा और भी यहाँ पर मैरिटाइम एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, जैसे कि स्लिनेक्स जो है श्रीलंका के संग होता है, इंडो श्रीलंका, बोंगो सागर और इन बी एन कॉर्पेट ये बांग्लादेश के संग होता है, जिमेक्स जापान के संग, नसीम अल बहर ओमान के संग, इंद्रा रशिया के संग, जैर अल बहर कतर के संग, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया, इंडो थाई कॉर्पेट थाईलैंड, इमकोर मलेशिया, सिम्बेक्स सिंगापुर। देखिए ये स्लिनेक्स है जो श्रीलंका का संघ है जबकि सिम्बेक्स है सिंगापुर के संघ एंड ऑसिडेक्स है ऑस्ट्रेलिया के संघ। तो ये कुछ मैरिटाइम एक्सरसाइजेस हैं, आपको ये थोड़ा याद कर लेना होगा। सो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे DNA के एक नए सेगमेंट में।